बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम शेयरिंग स्टिच ड्रेस बाय मारी बी सतीन। इसको हमने कल ही, आई गेस कल या परसों, वन स्टिच शेयर किया था। एंड ये एक्चुअली जा रहा था पैक होकर पूरा। इत्तेफाक़ है कि हम उसको शिप नहीं कर सके, तो मैंने सोचा इसको स्टिच कर दें। इसको हमने सॉरी वीडियो शेयर कर दें। इसको हमने स्टिच किया है लार्ज साइज़ पे। लेट्स सी हाउ। फ्रंट के ऊपर लाइनिंग लगाई बिकॉज इसका जो है वो फैब्रिक पूरा फ्रंट जाल है, तो मैंने सोचा कि चुभे नहीं। और हालांकि मैं खुद ज़्यादा वहमी हूँ, अगर ज़रा सा भी सी थ्रू लग रहा होता है या ऐसा कि फैब्रिक बैक पे थोड़ा सा भी फील होगा तो लाइनिंग लगाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सी थ्रू फैब्रिक नहीं था। फ्रंट पर भी जस्ट इस वजह से लगाया कि पूरा जाल है तो चुभे नहीं। तो बैक पर लाइनिंग नहीं लगाई, फ्रंट पर लगाई है। उसके बाद इसका दामन का बॉर्डर जो है पूरा एप्लिक हुआ है। और ये जो चटापट्टी है ये वो फैब्रिक है जो उन्होंने सेपरेट पट्टी दिखाई हुई थी, हमने दुपट्टे के ऊपर लगाई एंड देन उसी की ही पाइपिंग लगा दी, तो ये बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, मुझे क्योंकि इस वक्त मेरे पास एनले कार्ड नहीं, तो मुझे नहीं पता कि एम्बेलिशमेंट इस पर थी या नहीं थी, लेकिन ये जिनका है उनको एम्बेलिशमेंट पसंद नहीं आती, तो इसलिए जो है ये वैसे ही खूबसूरत ड्रेस है। गला इसका क्योंकि छोटा है तो फ्रंट से तो जितना था उतना ही रखा, ये पूरा पैच जो है वो एप्लीक हुआ है। इसके भी एक्चुअली दो स्टाइल स्टिच हुए हुए थे। अच्छा, मैं आज ही इसकी थंबनेल देख रही थी एंड आई वाज थिंकिंग कि हमने कौन सी थंबनेल लगा दी, तो वो तो अनस्टिच था। साइड्स पे इसके कुछ होल्स हुए हुए थे यहाँ शोल्डर पे, वो नहीं किए। गला इसका ऐसे ही पैच करा है, तो बैक से इसकी ओपनिंग रखी है, वो उसको वो मैं दिखाती हूँ। मैं स्लीव्स इसकी जो हैं वाइड हैं, और ये जो है दो स्टाइल्स थे, एक में फिटेड स्लीव थी और दूसरे वाले में ये वाला पैच जो है वो इस पर लगाया हुआ था, ट्राउज़र के ऊपर, शलवार के ऊपर लगाया था, तो हमने इसको जो है स्लीव्स के ऊपर लगाया है। और इसके एज पर भी जो है वो लगाया, क्या कहते हैं, चटापट्टी की पाइपिंग है। और वाइड लूज स्लीव्स रखी हैं, वाइड को टाइट किया जा सकता है, बट टाइट हो तो फिर मसला हो जाता है। बैक जो है वैसे प्लेन है, जस्ट ये चटापट्टी एंड उसके बाद ये जो मैं ओपनिंग की बात कर रही थी, ये ओपनिंग रख के इस पर बटन लगाया है ताकि जो है वो सर आराम से गुजर जाए। ये है इसकी शर्ट। अच्छा, लेंथ इसकी हमने रखी है 47 या 48 इंचेस। उसके बाद इसका दुपट्टा जो बहुत हसीन है, दुपट्टा इसका जो है ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये चटापट्टी जो मैं कह रही थी साथ ही दी हुई थी, और ये बहुत ये वाला स्टाइल में बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक लेस लगाई है, ये इसका बॉर्डर ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी वाइड दिया हुआ था एंड देन एज पे जो है ये ट्राइंगल लेस लगा के फिर अंदर की साइड को पूरा वाइड पलटा लगाया जितना चौड़ा ये बॉर्डर है। तो ये माशाल्लाह से पूरा ड्रेस बहुत अच्छा है। एंड कशरफ एक हमारी बहुत अच्छी क्लाइंट है, उनने इस खैर माशाल्लाह सभी अच्छे हैं, बाकी नाराज़ हो जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लकी के बड़े अच्छे क्लाइंट्स हैं हमारे पास। लेकिन कशरफ ने इसकी अनस्टिच की वीडियो देखकर ही इसको ऑर्डर किया था एंड आई एम श्योर कि अब ये स्टिच देखकर और ज़्यादा खुश होंगी। तो इसका दुपट्टा जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा है एंड ट्राउज़र जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो पैच था वो हमने स्लीव्स के ऊपर लगा दिया, तो इसका वाइट बेल बॉटम प्लाजो बनाया है एंड इसका जो है ये फैब्रिक सैटिन का, इसके अंदर बड़ा अच्छा फॉल आता है। और ये इसकी हालत इसलिए ऐसी हो रही है कि बिल्कुल पैकेट के अंदर से निकाला है मैंने, क्योंकि ये लेट होने की वजह से जो है वो आज शिप नहीं हो सका, इसलिए मुझे चांस मिल गया कि मैं वीडियो शेयर करूँ। सो दैट्स इट। आप सबको कैसा लगा कॉमेंट्स में बताइएगा एंड वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।